नमस्कार, मैं कमांडो रंजीत जादव, भारत देश के आर्मी भर्ती करने वाले वीर पुत्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, असम राइफल्स की भर्ती के लिए जो जो बच्चे दिमापुर नागालैंड में जाना चाहते हैं वह किस तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से अगर कोई जा रहा है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से, इस रूट से जो कोई जाना चाह रहा है तो वो महाराष्ट्र में एक आजाद हिंद एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है। ये ट्रेन शाम को 6 बजे आपको पुणे से निकल जाएगी, तो पुणे से दौंड, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव होते हुए ये वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, मतलब छत्तीसगढ़ होते हुए ये टाटानगर, खड़गपुर और हावड़ा, यह हावड़ा जंक्शन को आपको सुबह 3:55 पे पहुंचाएंगी। मतलब जिस जैसे आप आज शाम को 6 बजे बैठ जाएंगे ट्रेन में तो पूरा दिन, कल का पूरा दिन लेकर परसों ये सुबह आपको हावड़ा जंक्शन पे पहुंचाएंगी। तो आप अगर इसमें 2-4 घंटे ट्रेन भी लेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से आपने अगले वाला ट्रेन भी आपने लेना है। तो एक ट्रेन आगे आपको मिलेगा कि कामरूप एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, यह ट्रेन हावड़ा से डायरेक्ट दिमापुर के लिए जाती है। तो यह ट्रेन शाम को 6 बजे चलती है हावड़ा से 6 बजे चलेगी। मतलब आपको पूरा दिन 12 घंटे आपको वहां वेट करना पड़ेगा। इसके लिए फायदा यह है कि अगर आजाद हिंद एक्सप्रेस 4-5 घंटे भी लेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये ट्रेन आराम से मिल सकती है। फिर ये ट्रेन हावड़ा होते हुए बंडेल जंक्शन, उसके बाद कटवा, सलर होते हुए ये ट्रेन आसाम, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन होते हुए, उसके बाद ये ट्रेन आपको गुवाहाटी पहुंचाएंगी 3:50 पर, मतलब दिन में 3:50 पे पहुंचेगी। उसके बाद ये ट्रेन वही ट्रेन कंटिन्यू होते हुए आगे आपको शाम को 9 बजे दिमापुर पहुंचाएगी। तो दिमापुर ट्रेन पहुंचाएगी, उसके बाद आप ये ट्रेन अगर 2-3 घंटे भी लेट होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो, वहां पर रेलवे स्टेशन पे 2-3 घंटे वेट करके सुबह 5 या 6 बजे अपना ऑटो पकड़कर जो सेंटर में आपको जाना है उस सेंटर के लिए आप रेलवे स्टेशन से जब बाहर आएंगे तो आपको ऑटो मिल जाएगा और उसी तरह ऑटो से आप जा सकते हो। अभी इसमें क्या है कि इसमें यह है कि जो ट्रेन ये कामरूप एक्सप्रेस जो है वो 2 दिन नहीं है, वैसे हफ्ता में 2 दिन ये ट्रेन नहीं है, सोमवार और शुक्रवार। तो फिर सोमवार और शुक्रवार को अगर कोई हावड़ा में पहुंच जाता है तो वो कैसे फिर आगे जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए कि एक सरायघाट एक्सप्रेस है कि सरायघाट एक्सप्रेस ट्रेन है जो आपको 4 बजे हावड़ा से निकलती है, 4 बजे हावड़ा से निकलती है, वो 4 बजे हावड़ा से निकलेंगी और उसके बाद वो गुवाहाटी में आपको दिन में सुबह 10:05 पे पहुंचाएगी। मतलब अगर कामरूप एक्सप्रेस अगर आपको सोमवार और शुक्रवार को नहीं मिल रहा है तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप इस ट्रेन से, सरायघाट एक्सप्रेस से जा सकते हो जो कि आपको दूसरे दिन गुवाहाटी में 10:05 पे पहुंचेंगे और फिर आपको दूसरे गुवाहाटी में उतर कर फिर आपको दूसरे ट्रेन से जाना होगा। जैसे ये ट्रेन मरैनी इंटरसिटी एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये दोपहर को 2:30 है, 2:30 से आप जाएंगे तो आप दिमापुर को शाम को 7:30 या 8 या 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो आपको फिर वहां पर दिमापुर रेलवे स्टेशन पे वेट करना होगा, आप वहां पर वेट करेंगे और सुबह होने के बाद ही ऑटो पकड़ के अपने सेंटर में जा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इसमें मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको हर समस्या का समाधान कराऊंगा और आप किस तरीके से सेंटर में भर्ती के लिए जा पाएंगे उस तरीके से आपको मैं अच्छे से अच्छा तरीका बताऊंगा। अगर आपको कोई ऑटो वाला मिलता नहीं है तो मैं आपको ऑटो वालों की पर्सनल नंबर भी दे दूंगा जो कि आप उस ऑटो वालों को कॉल करके आप डायरेक्टली उस सेंटर तक पहुंच सकते हो। और आपको
कोई भी समस्या आती है तो मैं आपको 100% हेल्प करूंगा, लेकिन आपने अपने टाइम पे आना जरूरी है। आप लोग ऐसे करना है कि जिस दिन आपकी भर्ती है उसी दिन पहुंचना नहीं, उससे पहले दिन एक दिन एडवांस पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ आके आप पूरा हल हवा दे सकते हो और उसी हिसाब से आपका प्लानिंग कर सकते हो। चलो ठीक है, आपके आपको आपके भविष्य के लिए और आपकी भर्ती के लिए मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका ये सफर और आपकी ये सफलता जल्द से जल्द हासिल हो, ये मैं आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।